ओ भाई माइकल के क्या ही मारा इसने। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मैं, तो स्वागत है आपका गुरु जी डी वाइब की वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा यार, हम बिल्कुल यार लेस्टर को बचाने के बहुत ही ज्यादा क्लोज रह गए थे। और यार हमने पूरी गैंग तो खत्म करी थी द लॉस्ट गैंग की, उसके बाद भी यार वो वहां से एस्केप कराकर चले गए। उसका जो अपनी निशान जी टी आर जब हम उठाने लगे तो इसकी क्या ही हालत हो चुकी थी। तो देख रहे हो गाइस यार, इसमें से धुआं निकलना बंद ही नहीं हो रहा। पहले तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह चल रही थी यार, तब भी सही नहीं चल रही थी, तब भी सही सही चल रही थी, जैसे क्या ही कह लो यार, टूटी फूटी चल रही थी। अब देख रहे हो यार बिल्कुल ही नहीं चल रही। तो हमने यहाँ पर बैनी को कॉल कर तो दिया है, तो देख रहे हो यार अभी तक बैनी नहीं आया, आधा घंटा हो चुका। तो फाइनली गाइस यार सामने की तरफ मुझे लग रहा है कि बैनी आ रहा है। तो देख रहे हो गाइस ये हॉर्न वगैरह यहाँ पर पूरे दबा रहा है, तो ये कह रहा है कि चलो यार क्या ही प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे बताओ। तो इस समय ना हम सीधा अपने गैरेज में लेकर चलेंगे। आपको पता होगा यार अपना एक गैरेज, यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो वहाँ पर इसको ले चलेंगे। तभी हमने टो ट्रक मंगाया जो इसको उठा कर ले जाएगा गाड़ी को। तो चलो, इस वीडियो का एम है पूरे 3000 लाइक का, आई होप आप सब कंप्लीट करा दोगे। और चैनल पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको भी पता है यार तुम्हारा इंसेन भाई डेली जी टी 5 की वीडियो लाता रहता है। तो चलो गाइस अब मैं जल्दी से ना इसको इधर अपनी गाड़ी को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो ट्रक की हालत ही देख रहे हो यार, क्या ही बेकार हालत हुई पड़ी है। तो यार देख रहे हो यार कौन आ रहा है अभी बैठने के लिए। तो देख रहे हो सीजे कह रहा अभी मैं बैठूंगा, और बैनी कह रहा है यार मैं बैठ जाता हूँ पहले, कि मैं ट्रक चला के थक चुका हूँ। तो भाई बैठ यार, बैनी देख रहे हो गाइस नीचे ही गिर गया। तो चलो यार दिक्कत की कोई बात नहीं। और ये बंदा कौन भाई आ गया सामने की तरफ से, तो भाई बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था उसका, जो ही उसको मारा ना हल्का सा ट्रक तो वो भाग गया यहाँ से। तो चलो अब बैनी कह रहा कि मैं आगे बैठूंगा, और सीजे कह रहा चलो यार मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो चलो इसको ना आगे की तरफ लेकर चलते हैं ट्रक को। तो हमने इसमें टो तो कर लिया इसको, तो भाई जल्दी आ जा बैनी, क्या ही पैदल बैठेगा क्या। तो चलो गाइस अब मुझे यहाँ पर उतरना पड़ेगा। तो सीजे कह रहा कि मैं पीछे की साइड बैठ जाऊँगा, बैनी कह रहा कि मैं साथ में बैठ जाऊँगा। और देख रहे हो यहाँ पर हमने इसके साथ इसको उठा लिया है। तो यार ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा, देख रहे हो यार सामने की तरफ, तो भगाते हैं यार इसको। तो भाई अंकल जी भाग रहे हो यहाँ से, तो कब से लगा पड़ा था यार चिल्लाने में। तो चलो भाई जब सीजे ना यहाँ पर बैठ चुका है, तो ये कह रहा है ठीक है यार मैं पीछे आराम से बैठूंगा, और बैनी कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। तो पहली फुर्सत में ना इसको वहाँ पर लेके चलते हैं अपने गैरेज पे। यार लेस्टर की भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। उसके बाद ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन पता नहीं यार कैसी हालत में है, अभी उनसे बात भी नहीं हुई मेरी एक बार भी। तो रास्ते में यार कोई पुलिस वाला वगैरह ना ही रोक ले तो अच्छा है, क्योंकि यार वो जो ही कहेगा ना कि तुम एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैला रहे हो, तो भाई उसको देख लो अलग ही चौड़ में गाड़ियों से टक्कर मार रहा है अपनी गाड़ी पे। तो भाई अब निकलो यार जल्दी से, अपने को आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसको देख लो यार अपने जैसे पकड़ी लिखा यहाँ पे। तो चलो गाइस अब जल्दी से मैं सोच रहा हूँ इसको अपने गैरेज पर लेके चलते हैं, और इसको यार जो ही कंडीशन है। तो भाई देख लो बोनट भी पीछे उड़ के इसका गिर चुका है, तो क्या ही अब हालत हो चुकी है अपनी निशान जी टी आर की। और लॉस्ट गैंग से यार चुन चुन के बदला तो लेकर रहेंगे हम। तो भाई अब मैं देखूंगा नहीं रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है, बस भगाते चलेंगे यहाँ से। और यार पूरी गाड़ी ना पूरी स्मोक से भरी पड़ी है यहाँ पे, तो यार बहुत ही ज़्यादा धुआं ही धुआं हो गया, और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो यार बेकार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यार सब की नज़र अपने ऊपर पड़ रही है यहाँ पे, वो देख रहे हैं। पता नहीं यार क्या ही एक्सीडेंट वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, पता नहीं गाड़ी में आग लगी है क्या ही हो गया। तो सोचने दो यार अब आ चुके हैं अपने गैरेज के क्लोज। तो भाई जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करी थी ना बिल्कुल सुबह करी थी यार, आज सुबह 12 कोई 12 बजे एक मिनट पे या 12:10 पे कर दी थी मैंने एएम पे। तो भाई क्योंकि ना मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि वीडियो तो पब्लिश भी नहीं, मैंने पब्लिश पे लगा दी थी प्राइवेट से हटा के। उसके बाद ना वीडियो जब पब्लिश करी उसके बाद यार वो प्रिपेयरिंग ही करता गया, तो यार वो कभी पोस्ट ही नहीं हुआ, पब्लिक हुई नहीं वीडियो। तो भाई पूरा दिमाग खराब हो चुका था, जिस कारण मैंने बाद में फिर से वीडियो डिलीट करी और फिर से पोस्ट करी, तो वही सेम दिक्कत आ रही थी। तो यार पूरे 12 बजे के आसपास ना वो वीडियो तब जाके फाइनली पब्लिक हुई थी। तो गाइज वो वीडियो इसके पिछले जरूर से जाके देख लें जिन भाइयों ने नहीं देखी। तो चलो गाइज अब जल्दी से ना इसको खोलते हैं एक बार, फिर लेकर चलते हैं इसको अंदर की तरफ। तो भाई अब चल जाए यार ये, तो देख रहे हो गाइस यार चल तो रही है, और एग्जॉस्ट तो इसके ओवरलोड ही हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। सीजे वहीं पर बैठा रहेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई सीजे का क्या ही सीन चल रहा है। तो चलो गाइस अब गाड़ी को हम अंदर ले आए, और सीजे यहाँ पर क्या ही कर रहा है यार। सीजे आ चुका है यहाँ पर, फिसल के भी गिर गया। तो भाई मुझे लग रहा है ना कि ये पूरा गैरेज अब स्मोक से भरने वाला है, तो जल्दी से ना इसका इंजन बंद करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऑटोमेटिक ही चल रहा है यार पता नहीं क्या कुछ। तो जल्दी से लेके चलते हैं इसको अंदर की तरफ। तो भाई देख रहे हो अंदर हमने ला के इसके ऊपर हमने इसको खड़ा कर दिया है, और बैनी कह रहा है यार मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो बस, मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देख रहे हो गाइस यार इसने फ्रेंड को कॉल कर लिया, पूरे आधे घंटे बाद इसका फ्रेंड आया है। तो इन्होंने ना इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो
इंजन वगैरह से तो हल्का सा धुआं घट चुका है, और जो फ्रेंड है वो इसकी जो स्क्रैच वगैरह पड़े हैं ना जो भी इसकी बॉडी पे वो सब सही करा। तो भाई अब ना अपने को चलना है लैम्बोर्गिनी लेने के लिए, तो भाई क्योंकि अपनी लैम्बोर्गिनी का भी वहाँ पर एक्सीडेंट हो, तो भाई मैं सोच रहा हूँ अकेले ही जाऊँ, सीजे को यहीं खड़ा कर देते हैं। तो यार देख रहे हो क्या ही स्मोक निकल रहा, पूरा धुआं बाहर की तरफ आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ना पूरा अपना गैरेज यहाँ पर काला हो जाने वाला है, तो पूरा स्मोक ही स्मोक हो चुका है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना उसी का ट्रक लेकर चलते हैं बैनी का, तो अपनी लैम्बोर्गिनी ले आएंगे वहाँ से। तो भाई चलो यार जल्दी से चलते हैं, अब ये ट्रक तो अलग ही यार सस्ते, भाई इतना सस्ता ट्रक है ना भाई, स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड है, आपने देखा ही होगा अगर मैं पूरा हूँ। भाई क्या ही ट्रक है, इसने गेट तोड़ दिया तो क्या ही है यार, हम तो गाड़ियों से खोल देते हैं गेट, इसने तोड़ ही दिया, क्योंकि अगर मैं सीधा लेके आया होता ना तो भाई ये नहीं तोड़ता, तो भाई इसने तो पूरा गेट ही तोड़ के रख दिया। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना आगे की तरफ चलते हैं, तो देख रहे हो गाइस यार वेदर क्या ही यार, गर्मीदार वेदर आज, और यार हमें तो लेस्टर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं यार क्या ही हालत में होगा उसका। जब हमने लोकेशन हैक करी थी ना उसकी कॉल जो उसका फ़ोन था ना वो हैक तो हो गया था, और यार उसका फ़ोन पहले स्विच ऑफ था बाद में ऑन हुआ, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा था। और उसकी लोकेशन आई थी यहाँ पर नॉर्थ एंटन की, तो जैसे कि यार लॉस्ट गैंग के बंदे ने भी बताया था अपने को कि नॉर्थ एंटन की उसकी जा सकते हैं वो लोग, तो भाई यार लोकेशन चेक करोगे वहीं की आएगी, तो सही यार जब हमने चेक करा तो लास्ट लोकेशन उसकी नॉर्थ एंटन की तरफ से आई थी। तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ पक्का यार नॉर्थ एंटन एक बार जाकर देखेंगे, लॉस्ट गैंग है यार वो पता नहीं यार कहाँ ही चली जाएगी, नॉर्थ एंटन पता नहीं यार कैसे पहुँच गए वो लोग। तो चलो गाइस अब हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अपनी लैम्बोर्गिनी के, तो भाई पता नहीं यार कहाँ ही एक्सीडेंट हुआ था, यहीं कहीं हुआ था उसका शायद से एक्सीडेंट। तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, अब भी यार वैसी खड़ी हो यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है अब। तो चलो गाइस अब सामने की तरफ हम जा ही रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया, पहले तो मुझे लगा था कि यहीं कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो हाँ गाइस यार सामने की तरफ पेड़ है शायद यहीं पर हुआ था। तो देख रहे हो गाइस यहीं से मुझे दिख रही है अपनी लैम्बोर्गिनी, तो यार क्या ही ठुकी पड़ी है भाई, देख रहे हो यार ये पेड़ जो गिरा था वो साइड में हो गया शायद, पता नहीं यार क्या ही कल बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था जिस कारण मुझे लग रहा पेड़ आगे पीछे हो गया होगा थोड़ा, और इस कारण डोर वगैरह सारा टूट चुका था, और डोर तो भाई उसके पेड़ के नीचे ही दबा पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको चला कर देखे भाई, अगर चलाऊंगा ना क्या पता गलती से पेड़ मेरे ऊपर ही गिर जाए, मैं तो सोच रहा हूँ ना ट्रक से इसको सीधा बांध लेते हैं फिर इसको खींचने की कोशिश करते हैं, क्या पता बाहर की तरफ निकल ही आए। तो मुझे तो लग रहा है ट्रक में जान तो है भाई, इसकी स्पीड नहीं है पर इसमें जान तो पूरी है, आपने देखा होगा इसने गेट तोड़ के रख दिया पीछे वाला जो गैरेज का था अपना, तो सही है यार बाद में उसको बैनी से ही करवाएंगे कि तेरे ट्रक ने तोड़ा भाई, हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो देख रहे हो गाइस अब जल्दी से ना इसको मैं बांध लेता हूँ उससे, तो भाई अब निकल जाए भाई, मैं नहीं चाह रहा कि पेड़ मेरे ट्रक के ऊपर ही गिर जाए फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलो गाइस अब रेस यहाँ पर दे दिया, तो चलो गाइस फाइनली ना यहाँ पर आ चुकी है अपनी लैम्बोर्गिनी। तो चलो गाइस अब अपने को ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट करना है, अब जो लैम्बोर्गिनी है ना अपनी इसको यार यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यार जो इसका डोर रह गया भाई साहब, एक डोर भी इसका गिर गया था, और जो अपनी निसान जीटीआर है उसका भी एक डोर गिर गया था। तो भाई इनके ना दरवाजे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बॉडी भी यार सही सही होती है जो सुपर कार्स होता है, क्योंकि मेन इनका फोकस होता है ना कंपनी का इंजन में। तो चलो गाइस इसका यह डोर मैं उठा लेता हूं यहां पे, तो चलो जल्दी से उठा लेते हैं। तो देख रहे हो यार माइकल यहां पर डोर उठा लिया यार गाड़ी का, यार डोर तो पक्का माइकल को ना पूरा भारी लग रहा होगा। तो देख रहे हो यार चल भी कैसे रहा, तो भगाता हूं यार मैं माइकल को, देखते हैं फिर इसका कैसी लगेगा यार कैसे भागेगा ये। तो इसका मुंह देख रहे हो भाई, देख रहे हो कितना फनी लग रहा भागते हुए। तो चलो गाइस जल्दी से ना मैं इसको गाड़ी के बीच में रख देता हूं, और अपने को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यहां पर ना, अपनी निसान जीटीआर तो सही हो ही रही है तो लैम्बोर्गिनी भी हो रही है। तो देख रहे हो यहां पर ना माइकल ने रख दिया है डोर को गाड़ी के अंदर, तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। तो यार क्या ही हालत होगी यार, सामने की तरफ से देख रहे थे यार क्या बुरी हालत हो चुकी है अपनी गाड़ियों की। तो अपने ना गाड़ियाँ इतनी सारी है ना टूटती फूटती जा रही हैं, और ट्रक को बचाने के लिए फ्रैंकलिन जो ही लेफ्ट को घुमाया तो भाई साहब उसने ना पेड़ देखा ना कुछ देखा। तो शुक्र करो गाइस यार पेड़ के बीच में बजी, और लैम्बोर्गिनी यहाँ पर रुक के रिपेयर तो हो सकती है अगर उसने मारी ना पानी के बीच में होती ना, तो गाइस यार पता नहीं चलता है ड्राइवर कहाँ जाता और ये फ्रैंकलिन कहाँ ही जाता, और गाड़ी का तो अता पता कुछ भी नहीं चलता, और ये घर देख रहे हैं लेमार को अता पता अभी कुछ भी नहीं होगा इस समय कि अपने साथ हुआ क्या, और लेमार यार घर पर है, उसको हम जानबूझ के नहीं डिस्टर्ब कर रहे, जानबूझ के यार मैंने लेमार को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो चलो गाइस अब जल्दी चल रहे हैं यार, गलती से ना अगर एक बार भी उसकी हुक खुल गई ना तो भाई जो ही लैम्बोर्गिनी गिरेगी ना तो भाई किसी के भी एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। तो भाई देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अपने गैरेज के, तो जल्दी से चलते हैं। ये गाड़ी किसकी खड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही है यार, पिंक रंग के टायर हैं। तो चलो गाइस अब ये डोर किसने ही खड़ा कर दिया, तो भाई ये जो नशेड़ी वगैरह देख रहे हो जो अपने घर के बाहर बैठे हैं, तो भाई ये सस्ते नशे कर लेते हैं बाद में यहीं पर बैठे रहते हैं गैरेज के बाहर अपने।
तो इसको यार बाहर ही रहने देता हूँ मैं, और चलकर देखते हैं अंदर की तरफ कितना काम होगा कितना नहीं हुआ अभी तक। तो भाई जल्दी चल ले माइकल, यार मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है माइकल, क्योंकि आपको पता होगा यार जो लेस्टर को बचाने के चक्कर में हम शेव वगैरह सब कुछ करा के गए थे, तो भाई अपने साथ क्या ही सीन हो गया था, हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे लेस्टर को बचाने के लिए, उसके बाद यार वो वैन में बिठा कर चले गए। तो देख रहे हो यार अपनी सारी गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हैं, और ये अपनी गाड़ी का क्या, तो यार स्मोक तो फाइनली यार बंद हो चुका है यहाँ पे, तो सही है यार बैनी ने इसका हुड वगैरह सब कुछ लगा दिया है, और ये गाड़ी को इन्होंने उठा रखा है हुक के साथ, तो शायद नीचे पूरी सर्विस वगैरह कर रहा है बैनी और उसका फ्रेंड, और ये क्या ही कर रहे हैं। तो भाई शायद यार देख रहे हो एक डोर नहीं मिल रहा इसका, ये खुद ही बनाएगा बैनी यार, ये स्किन का भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, और यार जो भी स्क्रैच वगैरह थे वो तो सारे सही कर दें, और स्मोक भी बैनी ने यहाँ पर निकलना बंद कर दिया। गाइस यार अब हमने बैनी को बोल दिया कि खड़ी है लैम्बोर्गिनी, तो इसको सही करने के बाद यार उसको सही कर देना, और इनको गैरेज में लगा के ना गैरेज लॉक करके तुम लेमार को की दे देना या अपने पास रख लेना। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना मेन मिशन तो अब शुरू हुआ है, तो अपने को इस समय जाना है नॉर्थ एंटन पे, सबसे पहले ना अपने को एक गाड़ी चाहिए होगी, तो देखनी पड़ेगी यार कौन सी गाड़ी ले, मैं जरा बाइक ले चलते हैं। तो भाई अभी हायाबूसा चलाने का मन तो कर रहा है, पर यार हायाबूसा तो चल तो लेगी, पर यार वो ना सर्विस वगैरह उसकी इतने दिनों से हमने नहीं कराई है, तो जिस कारण यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है यहाँ पे। तो हम ना इस बुगाटी को लेकर चलते हैं, तो भाई बुगाटी को चलाएंगे बहुत ही दिनों के बाद। तो देख रहे यार ये बुगाटी हमने चुराई थी बहुत ही रिच पर्सन की, अपने घर के पास ही रहता था यार ये, फ्रैंकलिन ने चुराई थी बाद में माइकल को दे दी। तो भाई फिर ना तुम्हारे भाई ने इसके ऊपर अपना नाम लिख लिया, नंबर प्लेट पर लिखा है मयंक, तो यार सही है यार। तो चलो भाई अब जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, भाई इनको तो मैं बाद में देखूंगा। तो देख रहे हो यार पीछे की तरफ मयंक लिखा है नंबर प्लेट पे, तो इसकी ना स्पीड बहुत ही तेज है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ आपको चला के। तो देख रहे हो 200 तो 2 सेकंड में लग चुकी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑसम स्पीड है। और आपको कलर कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट करके बता देना कि कलर इसका कैसा लग रहा है, या चेंज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए इसको चेंज। तो भाई इसकी स्पीड सबसे तेज लगती है यार मुझे, तो देख रहे हो यार क्या ही स्पीड में भाग रही है, 300 क्रॉस कर गई। तो भाई मुझे तो पक्का लगा था कि यहाँ पर पक्का एक्सीडेंट होने वाला है, उसके बाद जो तीसरी गाड़ी भी अपने को बहनी को देनी पड़ेगी रिपेयर के लिए, पर यार तुम्हारे भाई की ड्राइविंग है ना जो, तो यार बहुत ही ज़्यादा ऑसम ड्राइविंग है। तो भाई नहीं खोलना ना तुमने, अब तोड़ेंगे तो भाई इसको भी फोड़ेंगे। तो ये तो मुझे लॉस्ट गैंग वाला लग रहा था पूरा गंजा। तो अपने को ना इस समय यार कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए, किसी का भी रख लेंगे यार उधार चुरा लेंगे, मैं सोच रहा यार चुरा के निकल लेते हैं। तो यार बुगाटी आप सोच रहे हो कि कहाँ पर लगाएंगे हम, तो इसको हम लगाएंगे जहाँ से हमने अपना गोल्ड प्लेन और गोल्ड जेट बनवाया था ना। तो यार क्या ही कह रहा हूँ भाई साहब मैं, जहाँ से गोल्ड हेलीकॉप्टर और गोल्ड प्लेन बनवाया था, तो वहीं पर इसको लेकर चलते हैं। इस समय यार कोई भी वर्कर नहीं है अंदर, तो सही है यार ये वैसे ही ओपन होगा, क्या पता इसको अंदर कोई न्यू प्लेन वगैरह लेकर आना हो। तो जो इनका मालिक है ना, जो मैनेजर है यार जो एयरपोर्ट का, तो उसको मैं कॉल करके पक्का कह दूंगा कि भाई हमने ना गाड़ी यहाँ पर पार्क करी है। तो यार वो भी अपना फ्रेंड बन चुका है, क्योंकि सही है यार वो बंदा भी। तो देख रहे हो इस हेलीकॉप्टर को अपने को चुरा कर लेके जाना, तो हमने ना जब उसको मालिक को कॉल करा, जो मैनेजर था इधर का बॉस एयरपोर्ट का जो मैनेजर है, तो उसको जब हमने कॉल करा तो हमने बोला कि अपने को एक हेलीकॉप्टर चाहिए बहुत ही जल्द। वो कह रहा कि कोई भी हेलीकॉप्टर ले जाओ, सारे तुम्हारी हैं, चाहे कोई भी प्लेन ले जाओ यहाँ से। तो हमने बोला बस अपने को एक हेलीकॉप्टर चाहिए, तो यार अपने को हेलीकॉप्टर मिल चुका है। तो सीधा चल रहे यार नॉर्थ एंटन की तरफ से, तो भाई अब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार, तो इतना नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, तो वो तो यार देखना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर की स्पीड पर डिपेंड है कितनी ही तेज हेलीकॉप्टर चलेगा। तो यार क्या ही कहूँ यार, बहुत ही बेकार चल रहा है यहाँ पे। तो आपको भी पता है अगर अपना गोल्डन प्लेन होता ना, जो गोल्डन जेट है, वो तो बहुत ही तेज़ चलता, तो गाइस उसकी तो स्पीड का क्या ही कहना, चल तो ये भी ठीक ठाक ही रहा है, पर प्लेन की तो अलग बात है जो हमने टोमी को दे रखा है। तो इस समय हमने लॉस सैंटोस यहाँ से छोड़ दिया, तो गाइस आप देख रहे होगे लॉस सैंटोस हम छोड़ चुके, तो बिल्कुल सीधा जाएंगे ना तो वहाँ पर नॉर्थ एंटन। जो भाइयों को मैं बता दूँ नॉर्थ एंटन क्या ही चीज़ है, तो गाइस यार जैसे लॉस सैंटोस है वैसी अलग जगह है नॉर्थ एंटन, और वो पूरी बर्फीली जगह रहती है यार। तो भाई मैं ना जल्दबाजी में ना कपड़े वगैरह चेंज करने भूल ही गया, तो भाई इस समय ना हाफ टी शर्ट पाई है माइकल ने, और चीजे ने भी यहाँ पर हाफ सी टी शर्ट पा रखी है। तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहीं पर कोई शॉप वगैरह देख लेंगे खरीद लेंगे, अपने पास पैसे तो है ही हैं। तो चलो गाइस अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है नॉर्थ एंटन के, और नॉर्थ एंटन के बिल्कुल हम ऊपर हैं। तो देख रहे हो यार पूरी शाम हो चुकी है यहाँ पर, लॉस सैंटोस को छोड़े हमने सुबह छोड़ा था, और यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो यार बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होने वाली है यहाँ पे, तो देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठंड तो इस समय बहुत ही लग रही है माइकल को, जैसे कि इसने टी शर्ट पा रखी है एक हाफ, और सीजे तो कह रहा है भाई अपने को तो कुछ मतलब नहीं है ठंड ठुंड का, तो मरेंगे तो मरेंगे, जिंदे रहेंगे तो जिंदे रहेंगे, तो ये तो यार सीधे ही चल रहा है, बिल्कुल ड्राइवर वाला दिमाग है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने को हेलीकॉप्टर को पक्का बचा के रखना पड़ेगा यहाँ से एस्केप होने के लिए, बाई चांस अगर हम लेस्टर को बचा लेते हैं, तो सबसे पहले ना मैं इसकी छत के ऊपर ही इसको पार कर देता हूँ
हेलीकॉप्टर को। तो चलो गाइस अब लैंडिंग एयर सही हो जाए, जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो टायर वगैरह हमने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाले, तो भाई जल्दी से यार प्रॉपर लैंडिंग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई क्यों ही टेढ़ा जा रहा है भाई, नीचे की तरफ जाना यार, हवा इतनी तेज है ना, विंड का इतना तेज प्रेशर पड़ रहा है ना हेलीकॉप्टर पे, तो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ ना लेफ्ट राइट घूम जा रहा है। तो भाई जल्दी से यार अपने ऊपर लगाना है। तो चलो गाइस फाइनली यार आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर, आधा 20 मिनट हो चुके हैं गाइस यार, तो फाइनली हम यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। तो देख लो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग ऐप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता तो जरूर है तुम्हारा भाई, पर यार सब कुछ काम सही कर देता। अब जल्दी से ना हम नीचे की तरफ चलते हैं जंप करके। तो यार बर्फ़ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो देख रहे हो आप सनसेट होने वाला है यहाँ पे, तो यार इतना ना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा, शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और ये सड़क है कि पानी था मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। तो भाई सीजे क्यों ही खड़ा पीछे मेरे, जल्दी जल्दी पीछे आ जा। तो अपने को जल्दी से यहाँ से जंप करनी है और नीचे की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो भाई यहाँ से चलेंगे नीचे, अगर डायरेक्ट मैं गिरा ना बर्फ़ पे, जो ही गिरूंगा ना फिसल के, तो भाई बर्फ़ में तो चोट भी बहुत ही तेज लगती है। तो चलो गाइस सीजे ना इतना चलाक बंदा है, स्टेयर्स के बीच में से आ गया, तो इसको पता था, ये कह रहा कि तुम जंप करो। तो भाई अब अपने को एक गाड़ी चाहिए होगी यार जल्दी से आगे जाने के लिए, अपने को बिल्कुल भी नहीं पता कि लेफ्ट की लोकेशन हो क्या सकती है। और यार अपने को एक गाड़ी दिख तो रही है भाई, ये किसका ढेर है यार, एक बार इसके जंप करके ऊपर चलते हैं। तो भाई राइट साइड एक गाड़ी तो है यार, अभी अभी मैंने देखी है, पर यार वो अकेली, तो भाई देख रहे हो यार वही उसी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई बंदा खड़ा है यार एक, तो क्या ही कर रहा है यार, बैठा पड़ा आराम से भाई इतनी बर्फ़ में, क्या ही कर। अच्छा भाई खड़ा है एक, लात पे स्टाइल मार रहा है। तो भाई मैं जरूर ना इसी की गाड़ी चुरा के यहाँ से एस्केप हो लेते हैं। तो हेलो सर, अब थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ यहाँ पे। तो हमने इससे पूछा कि तुमने लॉस्ट गैंग देखा, तो ये बोला कि इतना बेला थोड़ी हूँ मैं कि हर किसी को देखता रहूँगा। तो यार कह रहा कि तुमने मुझे देखा, तो भाई बहुत ही ज़्यादा चंबल रहा, देखो यार क्या ही मुक्का धरा माइकल ने इसके पेट पे, तो पूरा गिर चुका। तो भाई इसकी जो गाड़ी है ना बर्फ़ के अंदर ही धंसी पड़ी है, तो जल्दी से ना इसको मैं हटाता हूँ पहले बर्फ़ वगैरह को। तो देख रहे हो यहाँ पर सीजे और माइकल बर्फ़ वगैरह को यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। तो यार जल्दी से ना अपने को यार स्नो वगैरह सारी हटानी पड़ेगी। तो भाई सीजे पीछे क्यों देख रहा भाई, आगे क्यों देखना है, तो जैसे यार क्या ही कर रहा है सीजे, देखना पड़ेगा। तो देख रहे हो यार यहाँ पर हम बर्फ़ हटा लेते हैं जल्दी से, फिर अपने को ये गाड़ी लेकर यहाँ से एस्केप होना है। तो गाड़ी यार हल्की सी बाहर की तरफ तो आ ही चुकी है यहाँ पे, तो सही है यार पहले बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुकी थी। तो चलो गाइस अब गाड़ी फाइनली यहाँ पर आ चुकी है बाहर की तरफ। तो यार ये जो बंदा है ना जिसका ओनर था गाड़ी का, तो इसको हमने अभी बेहोश करा, मारा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाड़ी देख रहे हो बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है। तो भाई एक तो रेडियो बहुत ही ज़्यादा चलता है यार। तो चलो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं यहाँ से लेस्टर की लोकेशन पर। यार पता हमें बिल्कुल भी नहीं है, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे कि लेस्टर हो कहाँ पे सकता है। तो चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ, तो पूरी कोशिश करेगा तुम्हारा भाई लेस्टर को बचाने के लिए। तो देख रहे यार क्या ही बर्फ़ है, अब तो हमें रोड पर रहना, अगर बर्फ़ में जाएंगे ना पूरी गाड़ी यहाँ पर स्किट मार जाएगी, उसके बाद क्या ही पता यार एक्सीडेंट हो जाए अपना। मैं नहीं चाह रहा कि अपना एक्सीडेंट हो जाए इस समय यार, अपनी चोट वगैरह लगे तो बर्फ़ में ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ चोट लगती है। और ये आउट ऑफ कंट्रोल भी भाई साहब अपने साथ ही होता है ये सारा काम, तो ये भी जो गलत सीन होंगे ना अपने साथ ही होंगे। अब तक सारी गाड़ी सही चल रही थी यार, जो बंदा खड़ा था ना वो भी गाड़ी सही लेके खड़ा था, अब जब हम चलाने लगे ना तो ये लेफ्ट राइट जा रही है लेफ्ट राइट जा रही है, बाद में तो पता ही नहीं यार क्या ही कंडीशन में हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है यार तुम्हारे भाई की ड्राइविंग पूरी अच्छी है अगर अच्छी गाड़ी हो तो। तो देखो यार बर्फ़ तो पूरा ना इधर, तो यार क्या ही यार मन तो कर रहा है इस समय मैं बर्फ़ के बीच में लेटूँ, पर जो हाफ टी शर्ट पार्क है ना, और सीजे तो कह रहा है यार अब मुझे भी ठंड लग रही है होली। भाई यार लेस्टर को ना ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे, अगर अपने को मिलता है, क्योंकि यार मुझे लग रहा है अभी रात हो जाएगी क्योंकि बर्फीला है यार सारा कुछ यहाँ पे, बहुत यार ठंड बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि रात हो जाएगी, उससे पहले ना अपने को लेस्टर को ढूंढ लेना चाहिए। अगर लेस्टर मिलता है तो सही है, नहीं तो हम कल भी बहुत यार ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक अपने को ना घर चाहिए होगा रहने के लिए। तो देख लो जैसे कि मैं बात कर रहा था ना, रात यहाँ पर पूरी हो चुकी है यार, रेड लाइट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। एक तो ट्रैफिक भाई बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, तो इतनी नहीं दिख रही होगी भाई, बीच रास्ते में ना इतनी ट्रैफिक हो जाती है ना, तो भाई बीच में रुकना पड़ ही जाता। तो वैसे हम रेड लाइट पे कभी नहीं रुकते, तो तुम्हारा भाई आज रुक चुका है, तो यार अलग जगह के रूल फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई चल भी पड़ो भाई, बत्तियाँ भी ना पूरी लाल पीली नीली कुछ भी नहीं हो रही। तो भाई ये क्या हो गया यार, तो गाइस अब मुझे भागना पड़ेगा। तो भाई पुलिस पता नहीं यार कहाँ से आ गई भाई, इस गाड़ी देख रहे हो यार क्या ही गाड़ी, भी इसको यहीं पर खड़ानी है। ओ भाई साहब देख रहे हो यार, ये तो पुलिस कह रही है कि चुपचाप निकल, जो भागने की कोशिश मत करो, ऊपर से यार अपनी गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है। तो भाई देख रहे हो यार मैं रेस भी दे रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, तो यार पुलिस वाले कह रहे हैं भाई तुम चुपचाप बाहर को निकलो, हमने तुमसे पूछताछ करनी है, डरो मत हमसे। तो यार इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ही दिक्कत होगी। हेलो सर यार ये हमारी गाड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि यार ये गाड़ी जो है ना तुम्हारे पास ये चोरी की गाड़ी है, तो जिस बंदे के तुमने बेहोश करा ना और तुम उससे लॉस्ट गैंग कर रहे थे, तो कौन है लॉस्ट गैंग, तुम मुझे मेंबर लग रहे हो किसी गैंग के, और चुपचाप इन्होंने बोल दिया कि चुपचाप ना गाड़ी में चल के बैठो, नहीं तो अभी जो ही तुम्हें मैं बजा दूंगा ना गेम तुम्हारी, जो ही बजाऊंगा तो तुम भी याद रखोगे और अपना।
पासपोर्ट वगैरह दिखाओ और पूरी चेकिंग कराओ। तो गाइज अब ये कह रहा है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और पूरी चेकिंग कराओ। तो इस समय ना अपने पास भाई साहब पासपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार आपको पता है यार माइकल के पास तो कहाँ ही पासपोर्ट होगा। तो देख रहे ये कह रहा है कि चुपचाप इसके अंदर बैठ जा भाई, सीजे तू भी बैठ जा यहाँ पे। तो देख रहे यार ये पुलिस वाला कह रहा अभी हिलना बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोशिश भी करी ना हिलने की तो जो ही गोली बजाऊंगा ना मैं। तो ये कह रहा है तो इसी में बैठे रहो चुपचाप, तो मैं दो मिनट में सामने से जाता हूँ और अभी आता हूँ। तो भाई ये अपने पास अच्छा मौका यार। तो चलो गाइस देख रहे हो माइकल यार पूरा चलाक बंदा है, तो मैं यार माइकल को कोई भी नहीं पकड़ सकता और ये पीछे आ चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी से ना यहाँ से गाड़ी भगा लेते हैं। तो चलो भाई अब तुम्हारा भाई यहाँ से गाड़ी भगाएगा तो भाई ले बेटा मर जा, पुलिस वाले बहुत ही दिमाग खराब कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब जल्दी तुम्हारा भाई पूरी गाड़ी भगा रहा, ये क्यों ही नहीं भाग रही है यार, बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है गाड़ी यार, पूरी रेस दे रहा हूँ मैं तब भी नहीं चल रही है यहाँ पे। तो देख रहा लेफ्ट राइट होती जा रही है होती जा रही है यार। ये लॉस सैंटोस वाला काम बिल्कुल भी ना कर दे यहाँ पे, क्योंकि यार पुलिस आपको पता है लॉस सैंटोस में आती जाती आती रहती है यार, क्या ही काम कर देती है। तो देख रहे यार बोनट तो जो भी हम गाड़ी चलाएंगे बोनट तो पक्का उसका जो ही उड़ता है ना, तो अलग ही सीन है यार। तो देख रहे यार इस समय तो आगे भी रास्ता बंद है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे तो पूरा रास्ता बंद है यार। तो देख रहे यार क्या ही सस्ती गाड़ी है यार पुलिस वालों की, इससे अच्छी लॉस सैंटोस की गाड़ी है। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, जो इसके टायर है ना इन्होंने ना लोहा चढ़ा रखा है, आयरन वगैरह इस पर बांध रखा है, क्योंकि बर्फ के बीच में ये धसे ना बिल्कुल भी। तो गाइस देख रहे हो घूम फिर के हम उनके सामने आ गए पुलिस वालों के। तो चलो गाइस अब जल्दी से इनकी गेम बजा, तो ले बेटा जल्दी से मर जाओ अब। तो गंजा पहले बच गया था बिल्कुल भी नहीं बचा, तो भाई उन्हीं की गाड़ी लेकर पुलिस वालों की हम यहाँ पर हो चुके हैं एस्केप। तो भाई यार रात यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो गाइस देख रहे हो यार ये बंदे को भी सामने आना और इसके ऊपर चिपक जाना था। तो गाइस चल पीछे भाई साहब पीछे की तरफ गिर जा। एक तो यार माइकल के पास भी हाफ कपड़े हैं और सीजे कह रहा है मुझे कपड़े वगैरह की कोई जरूरत भी नहीं है इस समय, बस यार बस मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो यार देखते हैं यार। तो मैं कह रहा था ना लेस्टर को ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपनी हालत खराब हो जाने वाली है और बहुत यार रिस्की होता है यार बर्फ वगैरह में। तो भाई मैं जरूर इस गाड़ी का काम ही कर देते हैं यहाँ पे। तो देख रहे यार चढ़ने का नाम ही ले रही बर्फ में, तो पूरी रुक जा रही है यार गाड़ी। तो कोई भी गाड़ी यार बर्फ में ना फिसलती बहुत ही ज्यादा है। तो असली में यार किसने गाड़ी चलाई है तो जरूर से कमेंट करके बताना बिल्कुल स्नो के बीच में। तो चलो भाई देख रहे हो इस गाड़ी का काम करते जल्दी से मैं उतर जाता हूँ। तो भाई माइकल अभी नहीं उतरना था यार, रुक के उतरना था। तो चलो गाइस यार चलो कुछ नहीं होता, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने गाड़ी को यहाँ पर गिरा दिया, तो भाई इसके ऊपर ना जल्दी से मैं सोच रहा हूँ स्टिकी बॉम्ब वगैरह लगा दें कि चलो छोड़ो यार, अगर स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे ना तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर ब्लास्ट होगा तो पुलिस आएगी। तो जल्दी से ना अपने को एक घर ढूंढना पड़ेगा। तो भाई जो सामने घर दिख रहा है तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसी में रह लेते हैं, तो भाई बड़े वाले घर में। तो भाई सीजे तू कहाँ ही रह गया भाई, जल्दी आ रहा भाई। तो चलो गाइस सीजे भी आ चुका है। तो यार अभी अच्छे वाला हम आगे की तरफ आ रहे थे तो अचानक से ना पुलिस की आवाज़ आई। तो देख रहे हो सामने की तरफ से पुलिस की गाड़ी आ रही, तो भाई क्या ही नशे में है क्या। तो भाई शुक्र करो इनको पता नहीं चला, मुझे तो लगा था कि इनको लग गया यहाँ पे पता, और दूसरी गाड़ी भी यहीं पर रुकी और चली गई। तो चलो गाइस पुलिस वाले यहाँ से जा चुके हैं यार, पूरा उनको शक है अपने ऊपर, अब की दो बंदे आए हैं कहीं बाहर से आए हैं अपनी सिटी में, ऊपर से अजनबी हैं। तो देख रहे हो गाइस यार शीशा बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे, तो भाई ऐसे शीशे का क्या ही फायदा, पर इधर कोई था भी नहीं। तो यार जल्दी से चल लेते हैं भाई, रूम में कोई है कि नहीं, तो मैं हाथ में गन रख लेता हूँ अपने। तो भाई अगर कोई भी होगा ना जो ही उसके मैं हेडशॉट बजाने वाला हूँ ना, क्योंकि यार अपने को ना लेस्टर को बचाना है, तो कोई भी आ जाए यार सामने। तो ये सीजे कहाँ ही रह गया यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो यार ये वॉशरूम आ गया यार, तो यहाँ भी कोई भी नहीं है, उस ड्राइंग रूम में भी कोई भी नहीं है, तो शायद बेडरूम में भी कोई भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि घर खाली वाली है क्या भाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो चलो गाइस आवाज तो अंदर से आ रही है यार किसी की, तो भाई देख रहे इसके मैं बजाता हूँ हेडशॉट। तो भाई जो ही इसके हेडशॉट बजाया ना तुम्हारे भाई ने, तो भाई इसने अपने को देख लिया था, उसी समय ना ये चिल्लाने लगा, अगर ये चिल्ला पड़ता ना तो यार फिर पुलिस आ जाती। तो जो हमने सप्रेसर लगा के जो ही इसके हेडशॉट बजाया, तो बेचारा बाहर की तरफ भी मर चुका है। तो पहले तो हवा में उछला फिर मर चुका भाई, बाहर की तरफ भी जाने लायक नहीं रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े बदल लिए, इसी के कपड़े पा लिए हैं, और सीजे को हम कह रहे हैं कि कपड़े वगैरह बदल ले, वो कह रहा कि मुझे किसी के कपड़े पाने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई साहब को ठंड पूरी लग रही है इस समय सीजे को। तो चलो भाई इसकी ना डेड बॉडी को मैं जला देता हूँ पहले, कि मैं नहीं चाह रहा कि इसकी डेड बॉडी के बारे में पुलिस को पता चल जाए, बाद में पुलिस अपने को पकड़ ले। तो देख रहे हो माइकल ने इसको इस समय उठा लिया, तो भाई बहुत ही ज़्यादा भारी है, और माइकल ने तब भी इसको उठा लिया। तो भाई जहाँ पे हमने पुलिस की गाड़ी फेंकी है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको वहीं पर जाके फेंक देते हैं। तो चल भाई माइकल जल्दी से ना इसको वहाँ पर गिरा दे जाके। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर जो फ्यूल डाल के, तो यहाँ गिराएं तो नहीं यार, इसकी इधर गिराते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर फ्यूल डालें, गैस वगैरह डालें, फिर इसको जला दे पूरा। तो यार जिंदा तो क्यों ही होगा, हेडशॉट तो इसके बच गया, यार भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो इसको जल्दी से यहाँ पे गिरा देते हैं। देख रहे हो नीचे की तरफ गिर रहा है, और पुलिस की गाड़ी अभी यहीं थी, पता नहीं यार कौन ही लेगा उसको उठा के। तो चलो भाई अब जल्दी से मैं इस पर पेट्रोल वगैरह गिरा देता हूँ, तो यार जल जाएगा मुझे लग ही रहा है। तो भाई यार ओ भाई यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, तो जल्दी से इसके ऊपर गिराना पड़ेगा। पुलिस के सायरन वगैरह तो बज रहे हैं, अब जल्दी
से ना पिस्टल वगैरह बजा देते हैं फ्यूल पे। तो भाई लग जा भाई आगे, आग क्यों नहीं लग रही है यहाँ पे। तो भाई यार मैं भी यार पागल हूँ भाई, देख रहे हो यार बर्फ़ के ऊपर मैं फायरिंग कर रहा हूँ भी, तेल गिरा के तो आग बिल्कुल नहीं लगने वाली। अब यार जलाएगा तुम्हारा भाई पक्का, चाहे या मोलोटोव फेंकनी पड़े। तो चलो भाई अब इसकी डेड बॉडी की गेम बजा दी हमने यहाँ पे, तो देख रहे हो यार भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो चलो भाई अब जल्दी से चल रहे हैं अंदर की तरफ, अब सो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो कल को चलेंगे लेस्टर को यहाँ से बचाने के लिए, क्योंकि आपको ये पता है यार लेस्टर को बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि लेस्टर यार अपना एक इतना बड़ा हैकर है लो सेंट उसका, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। तो देख रहे हो यार सीजे कहां ही, तो भाई देख रहे हो कितना चलाक है, अकेला हम उसको जला कर आए हैं, ये अकेला इधर सो रहा है आराम से। तो भाई सो रहा है यार, ये भी थक चुका है पूरा। तो सही है यार, किसी का भी घर मिल गया अपने को, बस पुलिस ना यार अपने को पकड़ ले। तो चलो गाइस यार आज तो बहुत ही बुरा दिन रहा है अपना, और लेस्टर का अता पता कुछ भी नहीं चला यहाँ पे। अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाता ना अपने को लेस्टर का, तब थोड़ी उम्मीद जाग सकती थी। पर यार कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई कल को भी ट्राई करेगा, लेस्टर को यार बचा कर ही जाएंगे हम लोग इधर से नॉर्थ एंटन से। तो भाई लॉस सैंटोस क्यों ही निकल रहा है यार। तो भाई यार इतने बड़े घर में ना वो बंदा अकेला ही रहता था बेचारा, मारा गया। तो चलो यार दिक्कत की कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यार वो तो बिना बात के मार दिया। तो देख रहे हो गाइस समय हो चुके हैं सुबह यहाँ पे, तो भाई माइकल जल्दी से उठ जा। देख रहे हो सीजे यहाँ पर पीछे लेटा पड़ा है, और अपने को ना यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5, क्योंकि यार मैं सुबह के टाइम ना जानबूझ के निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार उन्होंने ना पुलिस वगैरह जो ही अपने पीछे कल पड़ी थी ना, इस समय भी ना हो, क्योंकि वो चेकिंग वगैरह तो पूरे नॉर्थ एंटन में कर ही रही होगी। तो जल्दी से इस बंदे की गाड़ी उठा लेते हैं जो मर चुका है। तो भाई चलेगी भी कि नहीं चलेगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पूरी तो बर्फ में बैठी पड़ी है यार गाड़ी। तो चलो गाइस यार कुछ ना चले, और चले भी तो क्या ही चले, तो यार रेडियो पक्का चलेगा यहाँ पे। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना इसको भगाते हैं यहाँ पे। तो यार पूरी मैं रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल भी भागने का नाम नहीं ले रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा सस्ती गाड़ी है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। तो इसकी भी टायर में आप नोटिस कर रहे हो कि लोहा वगैरह इन्होंने पूरा चिपका रखा है, तो यार अपने को ना कुछ और चाहिए होगा। तो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। तो ओ भाई फाइनली अपने को एक बाइक दिख गया यहाँ पे, तो जल्दी से ना बाइक ले चलते हैं गाड़ी से, तो सही रहेगा भाई। जल्दी आया सीजे कह रहा भाई मुझे ठंड लग रही है, बाइक पर क्या ही करोगे। तो भाई बाइक पे हम लेस्टर को ढूंढ लेंगे, क्योंकि बाइक के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलो गाइस ये बंदे की बाइक पता नहीं किसकी थी यार, हमने उठा लिया, अब अपनी हो चुकी है अकेले नॉर्थ एंटन के लिए। तो भाई अब जल्दी से ना सीजे पीछे बैठ चुके भाई, देख रहे हो क्या ही चिपका बैठा है। तो ये कह रहा मुझे बहुत ही यार ठंड लग रही है यार, कहाँ ही जाएंगे लेस्टर का, कहाँ ही पता करेंगे हम। तो भाई अब इसको गर्मी दिलाते हैं, तो भाई अब टायर वगैरह पूरे खड़ा करते हैं यहाँ पे, व्हीली मारते चलेंगे। तो भाई जिस कह रही है डरेगा और इसको लगेगी गर्मी, तो भाई ट्रेन वगैरह ना ही आ जाए तो सही है। तो देख रहे हो यहाँ पर नहीं आ रही यार, मुझे लगा कि ट्रेन वगैरह आ रही। तो भाई ये साइरन वगैरह क्या ही चल रहे हैं यार अलार्म वगैरह से यहाँ पे। तो चलो यार ये इनका रोज का काम होगा। तो भाई देख रहे हो यार बहुत ही ज़्यादा घूम रहा, ये क्यूट सा कितना अच्छा स्टैचू है, तो देख रहे हो यार तो अच्छा लग रहा है गाइस। जरूर से कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है यार जो हमने लोकेशन हैक करी थी लेस्टर की फ़ोन कॉल से, तो गाइस वो स्कैम है शायद, और जो लॉस्ट गैंग के बंदे से हमने पूछा था शायद वो भी जानबूझ के उसने बताया था कि नॉर्थ एंटन होगा, कि वो अपने को जानबूझ के झूठ बोलते उसके बाद हम लेस्टर का पता ना लगा पाएँ। तो कल वाली जगह पर हम वापस से आ चुके हैं, तो देख रहे हो क्या ही तबाही हुई पड़ी है। कल रात को यहाँ पर कोई लड़ाई हुई थी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो भाई देख रहे हो अब चर्च में एक राउंड मार रहे थे, क्या पता चर्च में हो। तो भाई इन्होंने यार साइरन वगैरह क्या ही लगा रखे हैं, जैसे लग रहा है कि ट्रेन आ रही है, पर यार घंटा ट्रेन कुछ भी नहीं आ रही। तो यार ये तो डोर ही बंद है, और ये गाड़ियां खड़ी है यार, लेस्टर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। तो भाई यहां से लेफ्ट, तो भाई देख रहे हो सामने की तरफ दो बंदे खड़े हैं, और बाइक जाने पहचानी लग रही है यार। तो भाई ऐसी बाइक मैंने देखी थी यार। तो गाइस एक बार मैं स्नाइपर से जूम करके देख लेता हूं एक बार, तो भाई असल में ये बंदे हैं कौन। तो भाई सीजे तू भी आ जा यार, क्या ही बैठा रहेगा उस पे। तो भाई एक बार मैं जूम करके देखता हूँ, तो भाई देख रहे हो यार जूम करने के बहुत दिख रहे हैं लॉस्ट गैंग के दो बंदे हैं यहाँ पे, और आराम से खड़े हैं। तो फाइनली अपने को दो लॉस्ट गैंग के बंदे दिख चुके हैं, तो तुम्हारा भाई इनको बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, इनका करेंगे हम यहाँ पे पीछा। तो क्या पता यार कौन सी लोकेशन पर जाएँ। तो भाई अब देख लेते हैं, बाइक पर बैठ तो गए हैं, और भाई अब ये निकलने वाले हैं, तो रेस वगैरह पूरी दे रहे हैं। तो भाई देख रहे यार ये तो जा रहा है कहीं को, जल्दी से अपने को बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी बाइक पर बैठना पड़ेगा, और अपने को भी जल्दी से इनका पीछा करना है। तो जल्दी बैठ जाए सीजे, क्या ही टाइम वेस्ट कर रहा है। तो भाई जल्दी से ना उनका पीछा करेंगे। तो देख रहे हो ना ही सीजे ने हेलमेट लगाया है, ना ही फुल शर्ट पाई है, तो सही है यार। तो देख रहे हो इनका इतना पीछा कर रहा है ना, दोपहर हो चुकी है, तो पीछा करते करते ना एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन पर आ चुके हैं। तो भाई पता नहीं यार कैसी लोकेशन पर आई है। तो देख रहे हो यार सामने की तरफ बंदे ना लेफ्ट साइड में उतर चुके हैं नीचे की तरफ, तो भाई पक्का यहाँ पर मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। तो चलो यार देखेंगे यार, कोई भी
तकलीफ होना, हम लेस्टर को तो पक्का बच। तो गाइस यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, लाइक ही मैं पूरे 3000 लाइक का, और चैनल पर मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 30K की इंसेन फैमिली बहुत ही जल्द होने वाली है अपनी, और जल्दी करा दो यार अपने भाई की इंसेन फैमिली जल्दी से करा दो 30K की। तो देख रहे हो यार ये लेफ्ट साइड में पता नहीं यार क्या ही बेस है यार, अलग ही कुछ है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो जल्दी से ना मैं यहाँ पर रोक के एक बार देखता हूँ जूम करके स्नाइपर से कि सीन क्या ही चल रहा है यहाँ पे। तो भाई देख रहे हो अभी मुझे बंदे दिख गए, अचानक से मैं तो ऊपर की तरफ जाने लगा था तो देख रहे हो यार बंदे सामने की तरफ बैठे हैं और यार खड़े भी हैं बैठे भी हैं, क्या ही सीन है यार, सारे लोस्ट गैंग के बंदे लग रहे हैं। तो एक बार मैं जूम करके देखता हूँ स्नाइपर से, तो भाई निकाल ले भाई माइकल स्नाइपर क्या ही कर रहा है। तो यार हर तरफ बंदे हैं देख रहे हो, ऊपर की तरफ भी हैं नीचे की तरफ भी खड़े हैं। तो यार माइकल मुझे लग रहा है ना जान मुश्किल नई कवर से निकल रहा। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ से चलते हैं। तो यार इनको भी बिल्कुल भी नहीं पता चला, तो मैं सोच रहा था यहाँ से देखो पर ना ऊपर जो टावर पे बंदे हैं ना वो दिक्कत देने वाले अपने को, तो मैं सोच रहा ना यहीं पर रोक के ना। तो गाइस यहाँ से एक बार देख लेता हूँ मैं जूम करके तो क्या ही सीन चल रहा है यहाँ पे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सीजे कह रहा है कि यहाँ पर भी मत ही रुको। तो मैं कह रहा हूँ कि ना थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट में बहुत ही ज़्यादा बंदे खड़े हैं। तो भाई अब तो यार मैं अपने दिमाग से चलूँगा, भाई सीजे ने दो बार अपने को आगे करा दिया। तो चलो गाइस अब जल्दी से देना, तुम्हारा भाई यहीं पर बैठ के जूम करके देखेगा। तो देख रहे हो सामने की तरफ मैं स्नाइपर निकाल रहा हूँ और अब देखते हैं यार जल्दी से जूम करके। तो चलो गाइस अब माइकल भी यहाँ पर कवर में है और यहाँ पर सीजे के हाथ में भी स्नाइपर है। तो भाई देख रहे हो क्या ही बंदे यार पूरी लॉस्ट गैंग के। तो एक के मैंने हेडशॉट बजा दिया, जल्दी से मैं कवर में आ गया। तो यार आज तुम्हारा भाई ना सीधा रश नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बंदे यहाँ सामने की तरफ अपने ऊपर भागे आ रहे हैं। तो ले बेटा एक और हेडशॉट खा ले। तो भाई नहीं बजा, तो इसके एक और बॉडी शॉट मैं अब बजाऊंगा यार, पक्का इसके हेडशॉट बजाऊंगा। तो देखो क्या ही उड़ के गिरा, तो इसके उड़ने का जरूर लाइक कर देना। तो भाई अब जल्दी देना, सीजे कह रहा है यहाँ से निकलते हैं और फ्लैंक मार के ना थोड़ा राइट साइड में चलते हैं। तो भाई जल्दी आ जा सीजे अपने पीछे बैठ जा क्योंकि हम अंधा नहीं रश करेंगे क्योंकि आगे 100 बंदे हैं, हम यहाँ पर 2 बंदे हैं। तो सही है यार इनको ना अलग अलग जगह से एंगल लेकर मारेंगे, जैसे पबजी वाला सीन मान लो यार फ्लैंक मार मार के। तो देख रहे हो फाइनली अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से कवर लेके मारेंगे। आधे बंदों को पता ही नहीं गाइस हम मार कहाँ से रहे हैं। तो दो के हेडशॉट बजा दे कोई साइड से ना जाए। तो नेडिंग वगैरह यहाँ पर कर लेते हैं, भाई नेड मारता हूँ भाई मैं इसके सिर पे। तो यार पूरा कुक करके मारो भाई साहब, यार हवा में ही फूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और फेंकते हैं यहाँ पे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं यार आप देख ही रहे होंगे। तो चलो भाई दो बंदे हमने मार दिया नेड से, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बंदे यार पूरी लॉस्ट गैंग का। यार मुझे लग रहा है ये ना जैसे मिलिट्री बेस में होता है, ये लॉस्ट गैंग का क्या ही कह लो, मिलिट्री बेस कह लो भाई साहब यार क्या ही कह लो, सीक्रेट बेस कह लो। तो देख रहे हो माइकल भी पूरी चौड़ में और ये सीजे कहाँ ही चला गया, सीजे का मुझे आता पता कुछ भी नहीं चल रहा, अभी तक तो यहीं था और ये दिख भी नहीं रहा भाई। तो चलो भाई यार अब इसके ऊपर नेड फेंकते हैं जो इनका कार्गो प्लेन है, तो भाई फूटेगा कि नहीं। तो भाई यार बंदे फूट गए पर प्लेन नहीं फूटा। तो एक और यहाँ पर नेड हमने 2-3 फेंक दिए हैं। तो चलो भाई अब एक बाजूका मारते हैं भाई, अब तो फूट जा भाई। तो देख रहे हो क्या ही ब्लास्ट हुआ है और ये सीजे अब आया यार, बीच में टनल के बीच में बैठ के फायरिंग कर रहा था, अब तो पूरी चौड़ में है। तो भाई ये कह रहा जितनी भी मुझे ठंड है ना मैं इनके ऊपर उतारूंगा। अब ये कह रहा कि ना जल्दी से अपने को बाइक उठा के आगे की तरफ चलना चाहिए। तो सही है यार, तो भाई जल्दी से मैं बाइक उठाता हूँ यहाँ पे। भाई सीजे जल्दी आ जा अब क्योंकि बंदों का ध्यान इस तरफ होगा, तो हम दूसरी तरफ से चल के मारेंगे। नहीं चढ़ा रहा भाई तेरे ऊपर, जल्दी बैठ जा अपने साथ। तो भाई तो देख रहे हो गाइस मैं सीजे को यहाँ पर मजाक में गिराने वाला था, भाई नहीं गिरा बिल्कुल भी। तो देख रहा बंदे और भी आ चुके हैं, पूरा झुंड आ चुका है बंदों का। अब बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से ना ऊपर की तरफ चलते हैं। तो बंदे पे बंदे बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं और ये पूरे यार हम ख़त्म करेंगे, अगर पूरी कोशिश करेंगे ना तो ख़त्म कर सकते हैं। और मैं ना इनकी क्लोज से बाइक बार बार निकालूंगा क्योंकि सीजे का एम बहुत ही ज़्यादा सीजे का तगड़ा है और सीजे यहाँ पूरा मार सकता है इनको। तो यार यहाँ पे भी 2 बंदे जल्दी से इनको मारते हैं, तो पूरी चोड़ में हेलमेट वगैरह पाके खड़े हैं, इनको लगा कि हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ये भी अपना पीछा करेंगे। तो देख रहे हो यार जल्दी से ना मैं इनके बाइक घुमाता रहूँगा, तो कवर में रुक लेता हूँ पहले, बाद में मैं बाइक घुमाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सीजे यहाँ पर कह रहा है कि जल्दी से ना इनको ख़त्म करते हैं और लेस्टर का पता करते हैं, पता नहीं यार लेस्टर कैसी हालत में होगा। तो जल्दी से इनके नीड वगैरह मारता हूँ मैं, तो भाई मर जाओ भाई क्या ही यार लेवल 4 की वेस्ट पा के आए हो क्या। तो इन्होंने अपने ऊपर मोली वगैरह मारने शुरू कर दिया, तो गाइस देख रहे हो क्या ही हालत करी है इनकी। तो सीजे भाई जल्दी आ जा यार अब तेरा प्लान इस्तेमाल करेंगे। तो सीजे कह रहा है ना उनके क्लोज लगाओ, मैं जल्दी से उनको मारूंगा और रोकना मत भाई, रोकोगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई टावर के ऊपर भी बंदे बैठे हैं भाई, हर जगह बंदे हैं। तो सामने की तरफ ये अलग ही नशे में बंदे हैं यार, ये बहरे बंदे इन्होंने अपने टीम में ले रखे हैं, क्या ही ले रखे हैं। चलो गाइस एक के हेडशॉट बजा दिया यहाँ पे, तो भाई दूसरा रेट
तो भाई मैं नहीं चाह रहा ना कि जो हेलीकॉप्टर है ना इसमें से उसको लेस्टर को लेकर बोलो एस्केप हो जाए, तो भाई तुम्हारा भाई ना हेलीकॉप्टर की गेम बजा देगा। अब यार जो वैन खड़ी थी ना कल की वीडियो में, तो भाई मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो लोग इस वैन को भी लेकर जा सकते हैं। तो भाई जल्दी से ना मैं फोड़ देता हूँ इस हेलीकॉप्टर को। तो एक और स्टिकी बॉम्ब लगाएगा यार तुम्हारा भाई, तो जल्दी से ना यहाँ पर मैं बटन प्रेस कर देता हूँ स्टिकी बॉम्ब का। तो भाई पीछे की तरफ से भी बंदे आ रहे हैं, तो चलो भाई जब जल्दी से यहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं। तो देख रहे यार क्या ही ब्लास्ट हुआ हेलीकॉप्टर के, चीतड़े उड़ गए, हेलीकॉप्टर उड़ के टूटा फूटा गया कहाँ। और सीजे अलग ही नशे में यार, वो वहीं पर खड़ा है। जब पता है यार स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हमने, प्लांट कर दिए, तो चुपचाप अपने पीछे आ जा। तो नहीं भाई इसको बीच में पूरी चौड़ में ना वहीं पर खड़े रहना है। तो देख रहे यार क्या ही बंदे आ रहे हैं, घटने का नाम ही ले रहे, और बंदे बहुत ज़्यादा हैं। जल्दी से ना मैं इनको बाइक से ही मारूंगा बिना उतरे। तो यार बहुत ही ज़्यादा दिख रही यार दूर से इनको मार के। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना मैं सुन यहीं से ना भगाएंगे, और जो भी बंदे अपने को दिखेंगे जल्दी से उनको ख़त्म करेंगे। तो चलो भाई इन चारों बंदों को हमने इनकी गेम बजा दी, तो एक रह गया। तो चल बेटा तू भी यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। और इनकी गैंग में ना बहुत ही ज़्यादा लोस्ट गैंग में गंजे की बहुत ही ज़्यादा भर्ती गंजों की है। तो एक ये खड़ा, तो इसको भी हमने मार दिया। तो भाई नीचे की तरफ से अलग ही आ रहा है, तो उसको भी मार दिया। तो भाई सीधे जल्दी से इसकी गेम बजा दो और मैं भी मार देता हूँ। तो चलो भाई इसको भी हमने मार दिया। तो भाई लेस्टर का कुछ अता पता अभी तक नहीं चल रहा, क्योंकि जो सामने दो घर है ना तो उधर तक एक बार चल के देखते हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना यहीं से तुम्हारा भाई सीधा भगा के जाएगा, और एक बार हम दूर से नज़र मार लेंगे पूरे दूर हायर ग्राउंड के एरिया पे कि क्या कुछ है बंदे और जिंदा कि नहीं है। तो सामने टावर है, मैं सोच रहा हूँ एक बार इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं, क्या पता चढ़ जाएँ। तो भाई फाइनली वो भाई नहीं यार, टावर ज़्यादा ही ऊँचा था। तो यार ये क्या होगा भाई, अलग ही स्टंट मरेगा भाई। नहीं यार सीधे गिरेगा, और यार माइकल भी गिर चुका है यहाँ पे। तो देख रहे हो यार, चलो गाइस यार कोई बात नहीं यार, जल्दी से मारना पड़ेगा। शुगर गुड़ गाइस यार हेलमेट पा रखा था हमने यहाँ पे। तो भाई जल्दी मारो यार, पहली फुर्सत में निकलो तुम लोग यहाँ से। और ये भी बंदा है, तो ऊपर की तरफ से भी भाई साहब फायरिंग कर रहे हैं अपने ऊपर। तो सीधे अलग ही चोट में, तो साइड वाले देख नहीं रहा, इसको अकेले ही लगा पड़ा मारने में। तो चल बेटा निकल जहाँ से। तो अब अपने को यार लेस्टर ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल भी पता नहीं यार लेस्टर हो कहाँ सकता है यहाँ पे। तो सीजे अब जल्दी बैठ जाए यार, मुझे तो दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, लेस्टर बेचारा कहाँ ही होगा। और यार ऊपर टावर की तरफ भी चार बंदे थे यार, अभी हमने तीन तो मार दिया, अभी एक बंदा पता नहीं यार क्या ही कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को उठा रहा होता है। तो एक बार ना टावर के ऊपर भी चढ़ पड़ते हैं हम। सीजे कह रहा है कि टावर के ऊपर चलो एक बार, कि मुझे वहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है इस टावर के ऊपर। तो भाई कहाँ यार लेस्टर को रखेंगे, टावर के ऊपर रखेंगे, क्या ही गंदी सोच है यार सीजे की। तो भाई वो टावर ही रह गया रखने को, भाई आप भी सोच के देखो यार, तो टावर पे तो क्या ही रखेंगे। तो चलो भाई अब जल्दी से ना मैं एक बार ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ। तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एम है पूरे 3000 लाइक का। चैनल पर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो, 30K की इंसेन फैमिली जल्दी से करा दो अपने इंसेन भाई की। और चलो भाई अब जल्दी से हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूं, तो मैं सीजे के कहने पे चल रहा हूं एक बार ऊपर। तो भाई ये बंदा है क्या ही खड़ा है भाई, लड़ने के लिए पूरा तैयार है। तो भाई अपना स्पेशल हथियार मारेंगे, तो भाई लड़ने के लिए पूरा तैयार है, तो ले बेटा मर जा यहाँ पे। चल भाई पहली फुर्सत में नीचे। तो भाई क्या ही मारा यार इसको, और यहाँ पर ना ओ भाई लेस्टर भी यहीं पर है। तो भाई एक बार भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि लेस्टर भाई उठ यार भाई तू कैसा है यहाँ पे। तो देख रहे हो यार लेस्टर यार हालत इसकी क्या ही ख़राब हुई पड़ी है लेस्टर की। तो लेस्टर कह रहा कि यार बहुत ज़्यादा जख्म वगैरह मेरे हो चुके थे, तो पहले से तो मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हूँ, और माइकल के भी यहाँ बहुत निशान है। तो भाई अब तो हमने पूरा सेव कर लिया यहाँ पे। तो चलो गाइस यार हमने, तो भाई ये कौन है भाई अचानक से स्नाइपर लेके, यार माइकल भाई इधर को देख भाई माइकल। तो भाई मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता यार। तो भाई ये तो आगे की तरफ देख रहा भाई माइकल के ना हेडशॉट बजाया। तो भाई सीजे, ओ भाई सीजे का हेडशॉट बजाया। तो भाई ये क्या हो गया यार, किसने हेडशॉट बजा दिया। तो भाई माइकल भी यहाँ पर कंफ्यूज है यहाँ पे पूरा, कि किसने बजा दिया इसके हेडशॉट। तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो भाई एक बंदा यहाँ पर है भाई, अब दिख गया। तो भाई ले बेटा हेडशॉट खा ले। तो भाई अब क्या ही कहूँ यार, लेस्टर भी यार यहाँ पे बेहोश हो चुका है, और माइकल भी यहाँ पर पूरा गुस्से में है। जो उसने हेडशॉट मारा था उसके तो हमने बजा दिया हेडशॉट, तो उसने बॉडी शॉट मारा था। एक बार ना हॉस्पिटल अपने को यहाँ से देख लेता हूँ मैं, अगर दिखे तो जूम करके। तो भाई साहब यार ये बंदा कौन है भाई, माइकल अलग ही देख रहा भाई, लेस्टर अलग ही नशे में है भाई। माइकल पीछे देख भाई, अरे भाई साहब माइकल एक बार पीछे देख ले। ओ भाई माइकल के क्या ही मारा इसने। तो भाई मुझे तो लग रहा माइकल की कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दिया इसने, और सीजे भी यहाँ पर गिर चुका ऊपर से, ये यहाँ पर तालियाँ वगैरह बजा रहा है। तो चलो भाई इधर आज की वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बताओ यार लेस्टर को कैसे बचाना चाहिए, सब कुछ हमने कर लिया था आखिरकार। तो चलो यार मिलते हैं बहुत ही अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।